क्या ब्लू मॉस्क जिसे आम तौर पे कहा जाता है, जो मरकजी मस्जिद है, उसके साथ वाक़या आया सोफिया की ये इमारत है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी दौर में ज़माने में चर्च था, और इसकी तस्दीक कुछ इस तरह से भी होती है कि ये ऊपर देखें महराब के बिल्कुल ऊपर, जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने गालबन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा की तसव्वुराती जो है वो तस्वीर बनाई हुई है। तो लेकिन उसके बाद ये सुल्तनत उस्मानिया के पास आ गया, और ये गालबन अभी कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और देखें दुनिया भर से जो है वो सियाह यहाँ पे जो है वो इसकी सैर के लिए आते हैं, और ये एक बड़ा ज़रिया है इनके लिए जो है सियाहत को फ़रोग देने के लिए। ये बड़ी एक शानदार, और ये इसका मरकज़ी जो है वो महराब है, और देखें कितना खूबसूरत जो है वो इस्लामी कैलीग्राफी का काम किया गया है। फिर जिस तरह मरकज़ी महराब के ऊपर अल्लाह मोहम्मद और जो है वो ये नाम लिखे गए हैं, इसी तरह बहुत बड़े बड़े ये सामने आप देखें हज़रत हुसैन और हसन अलैहिस्सलाम का नाम, फिर इसी तरह हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, तो जो है वो माशाल्लाह बहुत ही पुरशुकोर इमारत है। आया सोफिया ये एक गालबन खासा पुराना जो है वो बहुत बड़ा फानूस भी यहाँ पे जो है उसी तर्ज के छोटे छोटे फानूस भी जो हैं वो अवेज़ा हैं, और बहुत बड़ी भी इमारत है वो देखें ऊपर जो है वो लोग ऊपर की गैलरी में भी गए हुए हैं, और बहुत ही शानदार तारीखी पुरशको इमारत है ये सुल्तान अहमद की। जो भी कोई तुर्की आए तो मेरा ख़्याल है कि उसको इस तारीखी और शानदार इमारत को मिस नहीं करना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। दुनिया भर से लोग जो हैं वो सियाह यहाँ आए हुए हैं, और वाकई काबिल दीद है ये अज़ीमुश्शान इमारत देखने के काबिल। ये आया सूफिया का जो चर्च है कदीम, और उसमें सुल्तान अहमद मस्जिद के साथ इस्तांबुल में, ये इसके बारे में यहाँ पे गालबन जो मैं समझा हूँ वो ये है कि कोई पत्थर नसब है, और ये कहा जा रहा है कि अगर आप इसको पूरी अपना थंब रख के पूरा उसको जो है वो 360 डिग्री पे घुमा सकें तो उससे कोई खासी ख़ास किस्म का शायद रूहानी फैज़ जो है वो आपको मयसर आ सकता है। सुल्तान के हवाले से
चीज़ें जो हैं वो बच्चों में एक ज़ाहिर है प्राइड भी पैदा करती हैं, फ़ख्र पैदा करती हैं, उनकी खुदी को बुलंद करती हैं, और जो है वो हमेशा बचपन में सीखी जाने वाली चीज़ें देरपा होती हैं, हमेशा के लिए नक्श छोड़ जाती हैं। और शायद यही वजह है कि तुर्कों को मैंने देखा है कि ये बड़ा इनमें प्राइड है, इनमें किसी किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं है, इनकी खुद ही बहुत बुलंद है, और जो है वो किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स का ये शिकार नहीं है। इन्होंने अपनी ज़ुबान में सब कुछ सीखा, तरक्की की, और इस वक्त माशाल्लाह दुनिया में ये अपना आप मनवा रहे हैं। तो अल्लाह हमारे भी लीडर्स को, हमारी क़यादत को ये तौफीक दे कि हम जो है वो अपनी ज़ुबान को अपनाएं और उसी में जो है वो पढ़ें, पढ़ें, सीखें, सिखाएं और तरक्की करें। ये मैं इस्तांबुल के एरिया सुल्तान अहमद में वाकिया मस्जिद के साथ जो आया सोफिया का जो कदीम चर्च है और बाद में जो गलबन खिलाफत उस्मानिया में मस्जिद जो बन गई, वहाँ मौजूद हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये देखें, यहाँ पे इन्होंने एक बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई हुई है और उसके ऊपर पूरी जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है, और दुनिया भर से आए हुए सयाह जो हैं वो यहाँ बैठे इसको देख रहे हैं। अब ये सयाहों का एक और ग्रुप जो है वो यहाँ खड़ा है और उनका गाइड जो है वो उनको पूरी ब्रीफिंग दे रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम यहाँ पे भी पाकिस्तान में हमारे पास बड़े कदीम जो हैं वो बिल्डिंग्स हैं, लाहौर का शाही किला है, फिर मोहनजोदड़ो के सिंध में जो हैं वो हैं, वो खंडरात हैं, हमारे पास टैक्सला में बड़ी कदीम जो है वो आसार हैं, सारे कदीमा हैं, तो इनको अगर प्रमोट किया जाए प्रॉपरली, गवर्नमेंट जो है वो इसी तरह सयाहों को फैसिलिटेट करे, तो कोई शुबा नहीं कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस तरह हमारे पास भी आएँ और इस तरह से हमारी इकॉनमी मजबूत हो सकती है। मैं इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाकया मुसलमानों की एक अजीम तारीखी मस्जिद सुल्तान अहमद के पास मौजूद हूँ, और ये बड़ी पुरशिको इमारात पर मुश्तमिल मस्जिद है, यानी इसके कई हिस्से हैं। इसके सामने आया सोफिया का भी इमारत भी है, जिसे कहा जाता है कि वो कदीम ज़माने में चर्च था। तो यहाँ इकबाल की मुझे वो नज़म एक याद आ रही है, जिसके तीन अशार मैं पेश करूँगा आपके सामने। कहा मुजाहदे तुर्की ने मुझसे बादे नमाज, तवील सजदा है इस कदर क्यों तुम्हारे इमाम। यानी तुर्की के मुजाहद ने मुझे, इकबाल कहते हैं, कहा कि तुम्हारे सजदे इस कदर तवील क्या हैं, क्यों हैं। तो आगे एक दो अशार के बाद फिर उसका जवाब वो देते हैं कि तवील सजदा है तो इसमें क्या ताज्जुब है, तवील सजदा है अगर तो इसमें क्या ताज्जुब है, बराए सजदा गरीबों को और क्या है काम। के जो है ना, यानी हिंद के हम जो बरे सगीर के मुसलमान हैं, उन्हें तो बस ज़ाहरी नमाज और इस तरह की चीज़ों से लगाव है और वो इसी को सारा दीन समझ बैठे हैं, तो वो ये कहते हैं कि इसके अलावा हमें और काम भी क्या है, जो असल काम है दीन का करने का वो तो हमने करना नहीं है। यानी वो तो ये है ना कि, बल्कि फिर इसके बाद वो दुआ ये देते हैं कि खुदा नसीब करे हिंद के अमामों को वो सजदा जिसमें है कि जिसमें है मिल्लत की ज़िंदगी का प्याम। यानी वो क्या है, एक और जगह जैसे इकबाल ने कहा कि वो नबुव्वत है मुसलमान के लिए कार हशीश, जिस नबुव्वत में है कुव्वत, जिस नबुव्वत में नहीं कुव्वत शौकत का प्याम। यानी जिसमें कुव्वत शौकत का प्याम नहीं, जिसमें जो है वो एक निज़ाम की तब्दीली
नहीं होती और जो है वो आवाम जो है वो ज़ुल्म के निज़ाम में जकड़े रहते हैं, तो वहाँ पे तो मर्द मोमिन का काम ये है कि वो उठे और उन हालात को बदले और एक अजीम शान और इंसाफ़ पर मबनी इस्लामी निज़ाम में हुकूमत कायम करे। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि तुर्की को बिलाकर वो क़यादत मिल गई है कि जो ये सारे काम कर रही है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी हमें एक ऐसी ही जो है वो ईमान वाली और विजन वाली और आला फिक्र वाली, बुलंद फिक्री वाली क़यादत नसीब हो।